सो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड अभी ऑलमोस्ट 6 हो रहे हैं और आज का वीडियो मैं 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से सडन से ही वेदर में थोड़ा चेंज हुआ और शायद बारिश भी हो सकती है, बारिश का जैसा मौसम बना हुआ है। एंड हो जाएगी तो थोड़ा यू नो रिलीफ मिलेगा हम लोगों को भी। आई जस्ट शो यू, हाँ सी हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। एंड सो आई थॉट कि चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा हो रहा है मौसम। इस वजह से मैं ऊपर आया हूँ एंड मैंने कॉफ़ी का मग यहाँ रखा हुआ है स्टेयर्स पे। थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग बनी है आज, यूजुअल डे से नॉर्मल सी बनी है। सो ऑलराइट, सो गाइस वापस से अपनी सेम लोकेशन पे आ गया हूँ मैं, जहाँ पे एज यूजुअल मैं आप लोगों को दिखता हूँ वीडियो शूट करता हुआ। एंड आज वाले वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि मेरे को आप लोगों की अपनी करंट फिजीक शो करनी थी कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। और पिछले कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा डेफिसिट में था, 150-200 के आसपास, और मैंने थोड़ा बहुत श्रेड ज़्यादा हो गया हूँ मैं, आई वुड से मेरे एब्स थोड़े ज़्यादा शार्प हो गए हैं। एंड अभी तक का आई वुड से मैं अपना आई नो बेस्ट शेप में बोल सकता हूँ खुद को। और दूसरी वजह यह है यार वीडियो बनाने की, क्योंकि बहुत टाइम से यू नो लेग्स ट्राइसेप और दूसरी एक्सरसाइजेस का आ रहा था। मेरा प्लान तो था कि मैं एक पुश वर्कआउट रिकॉर्ड करूँ, बट वो कल मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऑन मंडे वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरी शिफ्ट टाइमिंग कुछ ऐसी है और मैं जिम शाम को जा रहा हूँ आफ्टर शिफ्ट, तो मैं थोड़ा सो लेता हूँ लेट तक और शाम को ऑफिस से आके जाता हूँ। सो उस वजह से नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है ब्लॉग करना आके ऑफिस से और फिर जिम जाना, शूट करना एंड एवरीथिंग, इट टेक्स टाइम। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू वेट फॉर वेडनेसडे, और आज वेडनेसडे है, मेरा वीक ऑफ भी है, मेरे पास टाइम भी है और तो हम कुछ कर सकते हैं। सो इस वजह से ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद, होपफुली आज रात तक ही मैं आके जिम से फटाफट एडिट करके फिर सोने जाऊंगा। एंड अभी मैं आप लोगों को फिजिक अपडेट देने वाला हूँ। सो पहले मैं बेडशीट बिछा लेता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है वैसे। पहले से थोड़ा काफ़ी बेटर लग रहा होगा, एक सेकेंड है, आई जस्ट होप कि ये सही से रिकॉर्ड हो जाए एक टेक में। होपफुली हो जाना चाहिए। सो थोड़ा सा स्वेटी हो रहा है। तो आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस भी देखी होंगी एंड बाकी मैं ऐसे शर्टलेस कभी बहुत रेयर मैंने कुछ दिखाया है। सो जो भी पहले की वीडियोस के बेसिस पे आप लोग जज कर सकते हो, मैं थोड़ा सा पहले से लीन हूँ, मेरे एब्स बहुत शार्प हैं एंड मेरे शोल्डर पर काफ़ी। इस वाली वीडियो में जो भी आप देखोगे बहुत रॉ क्लिप है, मैंने इसमें कोई भी लाइटिंग कुछ एडिट नहीं करने वाला हूँ, मैं जैसा अभी दिखता हूँ ये वैसा ही है, दिस इज़ द रियलिटी। ओके, मैं कुछ भी इसमें लाइटिंग इफेक्ट में कोई अच्छी एडिटिंग आती नहीं है अभी भी। सो आप लोग गैस कर सकते हो। और मेरी बैक अगर आप लोगों ने देखी होगी पहले से बहुत डिफाइंड है, बहुत डेफिनेशन आई है, मेरे शोल्डर काफ़ी यू नो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं पहले से। और मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी में जो बेस्ट पार्ट है ना वो मेरा शोल्डर है, और पहले मुझे लगता था कि मेरा बाइसेप है, बट अब मुझे लगता है जिस हिसाब से इन्होंने ग्रो कराया है पिछले कुछ टाइम में कि मेरा शोल्डर इज़ द प्लस पॉइंट, इसकी जो ग्रोथ हुई है वो
मेरे को कभी कभी बहुत सरप्राइजिंग सा लगता है. सो दिस इज हाउ आई लुक. और ये अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट हाँ एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें रिक्वायर करती हैं. और अगर आप वो दे सकते हो तो यू कैन मेंटेन दिस काइंड ऑफ फिजिक टू. और या मतलब 7 साल, ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं मेरे को. एंड ट्राइसेप पे मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, तो ट्राइसेप भी आप लोग देख सकते हो. पोजिंग बहुत डिफिकल्ट थी.